यादें। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद पर फिंगर। रेस्ट डिक्शन एल्बो एल्बो शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज इंटी क्लॉकवाइज नेक की एक्सरसाइज करेंगे आप। वी नीड टू मेक दिस लाइक दिस। Now we'll stretch our spine. Back rotation. Knee rotation. Clockwise. Anticlockwise. Ankle rotation.
वाइज लाइक आज की उंगलियां ओके नाउ विल सिट आउट दिस लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर किसी को बैठ की प्रॉब्लम है तो आप अपने बैक में कुशन लगा सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पे अश्विन मुद्रा बनाएंगे। लेट्स डू 10 राउंड एट आवर ओन स्पीड। स्क्वीज योर इनर मसल। फील दैट एनर्जी इज राइजिंग एंड अपलिफ्टिंग and moving to your Agya Chakra. At your Agya Chakra, your eyes is closed and your eyelids are uplifted. You can make this position. Gaze your eyes at the peak of the thumb and close your eyes. 10 round karenge Ashwin Mudra ke apne seat se. It is very important that you feel that energy is rising and moving to Agya Chakra. Now we will do full yogic breathing. Inhale through your nose, stomach mein air fill karna hai, rib cage mein and chest mein. Let's do 5 rounds of this. Inhale. Let go. Inhale again. Let go. Inhale again. Inhale again. Inhale again. आधा चक्रा पे अब हम मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद के लिए आपके एनस के एरिया को आपको स्क्वीज करके अपलिफ्ट करना एंड फील दैट एनर्जी इज राइजिंग एंड मूविंग टू योर आगे चक्र। लेट्स डू 3 राउंड ऑफ दिस। स्क्वीज is again
Now we will feel that energy is rising and moving to Swadhisthana Chakra. स्वाधिष्ठान चक्र पे सबसे पहले चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे, उसके लिए हम लोग विष्णु मुद्रा बनाएंगे. इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेल टू राइट. अपने स्पीड से हम लोग 3 राउंड इसके भी करेंगे. अधिष्ठान चक्र पे दूसरा एक्सरसाइज जो करना है वो है हमें तिबंध लगाना है. तिबंध लगाने के लिए एनस का एरिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दोनों को स्क्वीज करके और एक्सहेल करके अपने चिन को यहाँ पे कॉलर बोन पे टक करना है. लेट्स डू 3 राउंड ऑफ दिस. स्क्वीज, एक्सहेल. Adhisthana chakra, so now we will feel that energy is rising and moving to Manipur chakra. Manipur chakra pe hame kapalbhati pranayam karna hai. 50-50 ke 3 round hum apni speed se karenge. Let's start.
Now we will feel that energy from Manipur chakra. It is rising and going to Anahat chakra, our heart center. अनाहत चक्र पे हम लोग सम श्वास क्रिया करेंगे, इवन काउंट ब्रीदिंग, छह के काउंट से इनहेल करेंगे, छह के काउंट से होल्ड करेंट करेंगे और छह के काउंट से एक्सहेल करेंगे. सो आई विल डू काउंटिंग फॉर यू. लेट्स स्टार्ट. इनहेल. Four, inhale, inhale again. Hold. Inhale again. Let's practice this two more time at our own speed. अब खुद से count करेंगे और ये practice करेंगे दो more round. अब हम महसूस करेंगे कि एनर्जी अनाहत चक्र से उठ के आपके विशुद्धि चक्र पे जा रही है. विल ब्रिंग ऑल अवर एनर्जी टू विशुद्धि चक्र. विल ब्रिंग अवर अवेयरनेस टू विशुद्धि चक्र. यहाँ पे हम लोग उज्जयी प्राणायाम करेंगे. उज्जयी प्राणायाम के लिए आपको इनहेल करके मुंह की ध्वनि के साथ एक्सहेल करना. टू थ्री राउंड ऑफ द इनहेल. Now you will feel that energy is rising and moving to Anahat Agya chakra. आगे चक्र पे दो प्राणायाम करेंगे. सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, फिर से हमें विष्णु मुद्रा बनानी है. लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है. लेट्स डू थ्री राउंड ऑफ दिस एट आवर ओन स्पीड.
इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप अपनी आंखें बंद करेंगे और कान के टारगेट्स को क्लोज करेंगे। इनहेल करके हम की ध्वनि के साथ एक्सहेल करना है। इस बार फील करना है कि जो वाइब्रेशन है वो आपके ब्रेन में हो रहा है। Now we will become aware of our Sahasrara chakra. यहाँ पे उद्दीप प्राणायाम करेंगे, इसके लिए इनहेल करेंगे और ओम की ध्वनि के साथ एक्सहेल करेंगे। Let's do it. यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Adjust your sitting position. Make sure that your spine is straight. Eyes closed. Your gaze uplifted. Now we will go into chakra meditation. We'll start from Muladhara chakra. Bring your awareness to Muladhara chakra. Om, Om, Om. Swadhisthan, Om, Om, Om. Manipur, Om, Om, Om. Anahat, Om, Om, Om. Vishuddhi, Om, Om, Om. Medulla, Om, Om, Om. Agya Chakra, Om, Om, Om. Agya Chakra, Om, Om, Om. Medulla, Om, Om, Om. Vishuddhi, Om, Om, Om. Anahat, Om, Om, Om. Manipur, Om, Om, Om. Adhishthan, Om, Om, Om. Muladhar, Om, Om, Om.
मूलाधार ओम ओम ओम, स्वाधिष्ठान ओम ओम ओम, मणिपुर ओम ओम ओम, अनाहत ओम ओम ओम, विशुद्धि ओम ओम ओम, मेड्युला ओम ओम ओम, आज्ञा शाखा ओम ओम ओम। अब हमारा मन एकदम शांत हो गया होगा। अगर इस पोजीशन पे, इस अवस्था में जाने के बाद भी अगर आपका मन थोड़ा भटकता है, तो आप अपने मन को सांसों पे लेके आ सकते हैं। ऑब्जर्व कि आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जैसे किसी समुन्दर के किनारे बैठे हों, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं। सांस को आपको कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। If you observe just for few seconds, maybe a minute, आपका जो मन भटक रहा है वो नहीं भटकेगा। दूसरा चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आपका मन भटकना शुरू होता है, इसका मतलब आपकी जो आई लिड्स है वो अपलिफ्टेड नहीं है। मेक श्योर दे आर अपलिफ्टेड। नाउ वी हैव अचीव दिस पीस, दिस ब्लिस। We will sit as long as we feel. 5 मिनट, 10 मिनट, जितना देर आपको बैठे, आप इस ब्लिस में, इस पीस में बैठेंगे, एंड देन वी विल एंड द मेडिटेशन। फॉर टुडे पर्पस, विल सिट फॉर 2 मिनट्स। Bring all your awareness to third eye chakra. And let's sit for 2 minutes in peace, in silence. Now slowly we will open our eyes. तो कैसा फील कर रहे हैं हम लोग? देखिए, हम लोगों का आज तीसरा सेशन था, तीसरा और लास्ट सेशन था। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रिंग दिस प्रैक्टिस इनटू योर लाइफ। गिव 25 मिनट्स एवरी मॉर्निंग। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आप अफर्मेशन भी कह सकते हैं। इसमें रखने के बाद जस्ट रिपीट वन अफर्मेशन फॉर एट लीस्ट 3 टाइम्स। आपने उतना भी किया तो दैट विल ब्रिंग मिराकुलस रिजल्ट।
तो इसको लेके आइए, 20 से 25 मिनट सुबह आप दीजिए, और अगर अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हैं तो अच्छा, अगर नहीं भी कर पाए अर्ली मॉर्निंग, मान लीजिए किसी दिन आप लेट सोए, आप 8 बजे सोते होते हैं, तब भी कोशिश करिए कि उसको करने का, मतलब 8:30 बजे शुरू किया, 9 बजे तक खत्म कर लिया, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट करने चले, तो कोशिश करिए, 10 बजे भी कर रहे हैं तो करिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। हो सकता है उस दिन आप उतना डीपली उसमें ना जा सके, बट स्टिल खाने सर खाली पेट ही करना है, मैम, सर खाली पेट ही करना है, मतलब अगर नाश्ता हाँ, वगैरह खाली खाली पेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, चाय वगैरह पी के कर सकते हैं, अगर चाहिए चाय वगैरह पी लिया, और उसके 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कर रहे हैं तो चटली पाई, लेकिन नाश्ता नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर कभी 10 बजे भी कर रहे हैं, मतलब कभी लेट सो के उठे, कुछ ऐसा होता है कि आपको बहुत लेट होते हैं, काम रहता है, तो भी कर लीजिए, हो सकता है कि उस टाइम पे आप बहुत ऐसे डीप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत आवाज रहेगी, जो भी रहेगा, बट स्टिल जो वो प्राणायाम और ये चीजें हैं जो एनर्जी हमें ऊपर नीचे करनी है, वो तो हम फिजिकल लेवल पे जरूर कर सकते हैं, वो कर लीजिए, कभी दिन में नहीं कर पाए, मतलब सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर लीजिए, 6 बजे 7 बजे, जैसे हमने खाना वाना 1 बजे खाया है या 12 बजे खाया है, तो उसके बाद शाम को 6 बजे के कर सकते हैं, ठीक है, मतलब करके फिर चाय वगैरह पीजिएगा, पीने का मन, मतलब कोशिश करिए कि दिन में एक बार ये आप कर जरूर, ठीक है, मतलब ये मत कभी एक्सक्यूज दीजिए कि सुबह 5 बजे उठना कभी मैं करूंगा, 5 बजे अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज उसमें क्या है कि मन शांत रहता है, ये चीजें हम करते हैं उसमें मन और शांत हो जाता है, तो मतलब एक ऐसा होता है कि आप मेडिटेशन का मेन पर्पज ही यही है, जब ये सारी चीजें करके जब आप पीस में बैठते हैं, दैट्स व्हेन योर मेडिटेशन स्टार्ट, वो एक्चुअल मेडिटेशन है आपका, उसके पहले जितनी चीजें आप कर रहे हैं, ये दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन, तो कहीं भी आप अगर मेडिटेशन करते हैं, जहां पे आप उस स्टेट में पहुंचते हैं जहां पे दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा है, देन एट दैट टाइम योर मेडिटेशन स्टार्ट, ठीक है। तो अगर सुबह ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट हम कैसा है, मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो कभी कभी नहीं पॉसिबल होगा कि सुबह ही कर लिया, तो बेड टाइम पे भी कर सकते हैं क्या, कभी नाइट पे बेड पे जा रहे तो पता है। रात में, मतलब क्या कहते हैं कि इस चीज को उतना ज्यादा वो नहीं करेगा, रात में अगर करना है तो जो मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई है, ठीक है, आप वो करिए, उससे क्या है कि आपको मतलब तुरंत नींद आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं एक तरह से बॉडी को बहुत एनर्जाइज भी करता है, तो रात में सोने के पहले इसको करेंगे तो बॉडी अगर फुल्ली एनर्जाइज हो गई तो शायद बहुत अच्छी नींद ना आए, ठीक है। तो रात में अगर नहीं नींद आ रही है, अगर आपको रात को अगर प्रैक्टिस करना है, तो रात को आप जो मैंने सिखाया ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, 6 के काउंट से इनहेल करिए, 12 के काउंट से एक्सहेल करिए, ये करते रहिए जब तक नींद ना आ जाए, विद इन 5 मिनट आपको नींद आ जाएगी, बिकॉज जब हम इनहेल 6 के काउंट से करेंगे, एक्सहेल 12 के काउंट से करते हैं, ठीक है, मतलब नाक से इनहेल करिए और मुंह से एक्सहेल करिए, तो धीरे 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 बॉडी हमारी स्टिल होनी शुरू हो जाती है, मतलब हमारा जो वो नर्वस सिस्टम है उस पे वो काम करता है, पर इवेंचुअली आप मतलब सो सकते हैं, या फिर जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई है इसके पहले वाली, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो मतलब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 3-4 राउंड आप करेंगे, एक तो पूरा बॉडी हमारा फुल्ली ऑक्सीजनेट हो जाएगा और मन एकदम शांत हो जाएगा, मतलब यू विल फॉलो आफ्टर स्लीप, तो वो भी आप रात को एक प्रैक्टिस वो बना सकते हैं, ठीक है, तो लेके आइए, मेडिटेशन के बाद जैसे सूर्य नमस्कार करती हूँ मैं, तो कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम, बेसिकली जब आप मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़े देर शांत शांति में बैठिए, ठीक है, अगर चाहिए तो मतलब इसके पहले भी आप सूर्य नमस्कार करें, जो आपने अभी अपना वार्म अप वगैरह किया ना उसके पहले भी, बेसिकली अल्टीमेटली और पर्पज ही क्या, मतलब पूरे शरीर की एनर्जी को लूज करके, ताकि वो अवेलेबल रहे टू मूव अप एंड डाउन, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज, जैसे अगर आपकी आदत है कि नहीं मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, तो फिर थोड़े देर का एक गैप दे दीजिए, 5-10 मिनट का, ताकि जो मन रखा था शांत है उसको जितने देर तक आप कैरी कर सकते हो उतने देर तक कैरी करिए, और उसके बाद फिर आप मतलब एक्सरसाइज में जाइए, और जब भी आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद मेक श्योर कि आप मतलब वो वापस से उस पीस में वापस आते हैं, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं क्या होता है कि हमारा मन बहुत एजिटेटेड हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हम जो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि, तो उसके बाद वापस आना बहुत जरूरी, तो कोई एकाध जैसे नहीं कुछ तो आपने इवन काउंट ब्रीदिंग कर ली,
जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, मतलब मान लीजिए आपने रिगुलर अगर आप जिम ही जाते हैं, तो उसके बाद ये अनुलोम विलोम कर लिया, इवन काउंट ब्रीदिंग कर ली, कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया जिससे वापस से सांस की जो अवस्था है वो समान हो जाए। हमेशा चेक करेंगे, ऐसे उंगली लेके नाक के आसपास लाके ऐसे करके चेक करेंगे एंड फील फील कि ऐसा तो नहीं है कि राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा एयर आ रही है, लेफ्ट से कम आ रही है। अगर आ रही है इसका मतलब क्या है कि यू आर वेरी एक्टिव, वेरी एजिटेटेड, ठीक है, बिकॉज आपका सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिवेटेड। तो मन कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिव रहेगा। तो तब तो क्या करेंगे, ये अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेटने की व्यवस्था है तो इस करवट ऐसे लेट जाएंगे तो धीरे धीरे सांस क्या फिर इसमें भी एक्टिव हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर रहता है तो आप मतलब बैलेंस। अगर बहुत दुखी हो गए, बहुत ज्यादा ऐसे निराश हो गए, तो भी हो सकता है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस आने लगे या राइट से भी आ सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उस एनर्जी को लेते हैं। जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो ये चीज हम बहुत ज्यादा अगर मोटिवेटेड हो गया एक्टिवेटेड आता है राइट वाला, तो अनुलोम विलोम या कुछ ना कुछ इवन काउंट ब्रीदिंग कर लेंगे ताकि वापस से वो समान व्यवस्था जो है वापस से अचीव हो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एक्सरसाइज पर जरूर करेंगे, मतलब एक आध मे बी अनुलोम विलोम कर लिया, चाहे हमने इवन काउंट ब्रीदिंग कर लिया, दोनों में से कोई एक कर लेंगे वापस से वो मतलब रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर, चीजें फॉलो करेंगे। हाँ सर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बताया था सेकंड क्लास में कि इनहेल थ्रू माउथ एंड एक्सहेल थ्रू माउथ, क्या यस यस, इसका क्या है सर? माउथ से लेने का इसका क्या कह रहे बेनिफिट, सर? माउथ से अगर लेने के लिए बेनिफिट क्या है सर? तो ज्यादा एक बेसिकली पर्पस हमारा क्या है कि हम लोग अपने पेट में जितनी ऑक्सीजन भर सकते हैं उतनी ऑक्सीजन भर रहे हैं, ठीक है। तो पेट हमारा ऊपर जा रहा है, अगर हम माउथ से करते हैं तो हम ज्यादा ऑक्सीजन, ये इस तरीके का प्रैक्टिस रहेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को माउथ से दिक्कत है तो नाक से भी ले सकता है। तो पर्पस इज कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जानी चाहिए जितना, मतलब कोने कोने तक वो जानी चाहिए। मतलब अगर हमने 20 बार, 25 बार, 30 बार ये प्रोसेस फॉलो किया तो आप ये फॉलो करेंगे कि इवेंचुअली जो है आपकी उंगलियां जो है यहाँ पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन आ गया, आपके पैरों की जो उंगलियां उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होगा। तो जब यहाँ तक अगर ऑक्सीजन पहुंच गया इसका मतलब कि आपका पूरा शरीर जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड रहता है तो इट्स अ वेरी गुड स्टेट, बिकॉज हम नॉर्मली जो है शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो मतलब पता भी नहीं होता कि मतलब शायद सांस जो है यहाँ फेफड़े तक ही गई वापस चली गई, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा पहले भी बताया था कि हमें जो अचीव करनी है स्टेट वो एक नेचुरल स्टेट ये अचीव करनी है कि मेरा पेट बाहर निकल जाती है जब भी मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है। अवेयर रहिए इस चीज के अंदर, और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका है रात को जब बेड पे गए तो अपना हाथ अपना पेट पे रख लिया और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरा पेट बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा कि नहीं, और उसको ऐसा फोर्स नहीं करना है, मतलब इट शुड बी नेचुरल। जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे क्या होगा वो नेचुरल बन जाएगा। नेचुरल बन जाएगा तो क्या, जब पेट में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, मतलब डायफ्राम है, जब वो डायफ्राम नीचे जाता है तो पेट में हम बहुत सारा हवा भरते हैं। जब पेट में ऑक्सीजन आता है तो वो ऑक्सीजन क्या हो पूरे बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हमने सिर्फ फेफड़े में हवा भरी, हवा यहाँ आया निकल के बाहर निकला, तो फिर आप दिन में जो है आपको एनर्जी नहीं मिलती है या आप लेथार्जिक फील करते हैं आपको, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन ही क्या करता है वो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। जितना अच्छे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा हर जगह उतना ज्यादा बॉडी अच्छे से काम करेगी। ये डीप बेली ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, सब लोग गलत करते हैं। सिर्फ बच्चे को देखे कभी सांस लेते हुए हमेशा उनका डीप बेली ब्रीदिंग होता है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। समय के साथ हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो उस प्रैक्टिस को जरूर लेके आएंगे वापस। और ये जो मैंने बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो भी बहुत अच्छा है, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऑफिस से वापस आए आप, आपको बहुत ज्यादा अगर इरिटेशन है, 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ आप बेड बेड पे लेट जाइए, आप वो प्रोसेस कर लीजिए, आपका नर्वस सिस्टम रिसेट हो जाता है, यू आर बैक टू नॉर्मल। बैक कमिंग बैक टू नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि अगर आप उस स्ट्रेस में कंटिन्यूअसली बने रहेंगे तो वो फिर आपके ओवरऑल मैग्नेटिज्म को गड़बड़ करता है, कहीं फिर हेल्थ इश्यूज ये हो उन चीजों को भी कंटिन्यू करता है, ठीक है। थैंक यू सर। इसमें पिलो नहीं लेना है,
कर दे, क्या कह रहे हैं सर? पिलो का यूज नहीं करना है ना, इसका यूज नहीं करना है, पिलो पिलो जो सिर के नीचे पिलो रखते हैं, नहीं कर सकते पिलो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मतलब बहुत ऊंचा मोटा पिलो नहीं करना है, नॉर्मल पिलो तो आप बिल्कुल कर सकते। और सर सांस को रोक के रखना है जब हम अंदर इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं राइट? हाँ हाँ सर, हाँ देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, मतलब डीपली इनहेल करना है, पेट ऊपर निकलना चाहिए ऐसा फील करना है आपको, मतलब फील क्या करना, पेट एक्चुअल में ऊपर जाएगा, फिर yes. एक्सहेल इस तरह से 20 से 25 बार करेंगे, जब पूरे बॉडी में आपको टिंगलिंग फील होने लगे, सेंसेशन वो फील होने लगे, तो उसके बाद इनहेल करके पूरी हवा बाहर निकालनी, अब ना सांस अंदर लेना है ना बाहर लेना है, अब आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन भर गया है पूरा, तो अल्टीमेटली हमें सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, अब हमारे बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो अब हमें सांस लेने की जरूरत ही नहीं है, तो हम मतलब अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे, मे बी पहले राउंड में हो सकता है 60 सेकंड करना, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे चौथे पांचवें राउंड में आप दो दो मिनट तीन तीन मिनट बिना सांस लिए रह सकते हैं, तो सांस को होल्ड करना है, मतलब ना इनहेल करना ना एक्सहेल करना है, बने रहिए उस स्टेट में जितना लंबा, जितने देर तक, मतलब एकदम ये आना चाहिए कि अब नहीं रुक सकता मैं, वो वाले स्टेट में पहुंचना है कि अब सांस तो लेना ही पड़ेगा, उस स्टेट में पहुंचिए, जब आप उस स्टेट तक जाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रिसेट होता है, ठीक है, और उसके बाद डीप इनहेल करिए एंड देन फील दैट एयर, उस एयर को उठा के सर में लेके जाना है, 10 से 15 सेकंड तक उसको वहां होल्ड करके रखिए, लेट गो, एयर को एग्जॉस्ट करिए, दिस इज योर फर्स्ट राउंड, इस तरीके से 4 से 5 राउंड कम से कम करिए, तीन चीजें मैंने आपको बताई, ये तीन चीजें अगर आप अपने जीवन में लेके आ जाएंगे, बीमार पड़ना बहुत कम हो जाएगा, नहीं के बराबर बीमार पड़ेंगे, ठीक है, एक डीप वैली ब्रीदिंग, ये नेचुरल जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, उसको अपना लीजिए, दिन में जितनी बार आप अवेयर रह सकते हैं अवेयर रहिए, नॉर्मल तरीके से अपना ऑब्जर्व करिए कि मैं सही ब्रीथ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो उसको सही करिए, करेक्ट करिए, हो सकता है 1 महीने लगे, लेकिन धीरे 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 वो नेचुरल प्रोसेस बन गया है। दूसरा जो ये मैंने आपको सिखाया है मॉर्निंग में मेडिटेशन, ठीक है, ये प्रैक्टिस लेके आइए, और तीसरा जो है ये जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, कभी ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं, अगर बैठे हुए हैं आंख बंद है, आंख बंद करके अपनी आंखें थोड़ी सी आप लिफ्टेड कर लीजिए, तुरंत आप ध्यान में चले जाएंगे, थोड़ी देर तक 2 मिनट 3 मिनट ऐसे आंख करके ध्यान में बैठे रहिए, मतलब वो शून्य की स्टेट में पहुंचने की कोशिश करिए, नहीं कर पाया किसी दिन मान लीजिए मॉर्निंग में, कभी मॉर्निंग में ट्रैवल होता, ठीक है 5 बजे निकलना है 4 बजे निकलना है, तो आप उस दिन तो कर नहीं सकते, शायद दिन भर भी नहीं कर पाएंगे, तो गाड़ी में बैठे हैं गाड़ी में अपना ध्यान लगा लिया, नहीं कुछ तो सिर्फ अपना जो ये थंब वाली पोजीशन पकड़ी, आँख को ऊपर अपलिफ्टेड किया, ठीक है, तो आप ध्यान लगा लिया, तो 5 मिनट 10 मिनट यही कर लिया, तब भी जो है मेरा जो है बैलेंस स्टेट मुझे मिल जाता है, तो उस दिन के लिए वही काफी, ठीक है, लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर लगाएंगे, कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और विद इन 5-6 मंथ मतलब देखिए रिजल्ट तो आपको राइट अवे दिखता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपको 6 महीने बाद दिखेगा, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो पहले सेशन पे ही आपको पता चलता है कि कितना अमेजिंग आप फील कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने किया होगा तो मतलब आप कह सकते हैं कि सर बॉडी फ्लोट करने लगती है एयर में, ठीक है, अलग तरीके का एक मतलब एक अलग तरीके के सुख का अनुभव होता है, ठीक है, आपने ये जो किया 3 दिन अगर आपने अच्छे से किया होगा, यू कैन फील दैट एनर्जी मूव कर रही है, तो और इसका लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा बेनिफिट है, डेफिनेटली ब्रिंग दिस दीज प्रैक्टिसेस इन अवर बॉडी, हम ये करेंगे साथ में जो हमने चीजें सीखी है क्लास में न्यूमरोलॉजी के लिए, वो चीजें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छा एक मोमेंटम मिलता है, और जिस भी चक्कर में जिस भी मतलब लूप में हम फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल जाते हैं और सक्सेस की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। सर जिस पहले दिखाते थे ना कि लोग जमीन से आधा फुट ऊपर उठ गए 1 फुट ऊपर उठ गए, मुझे जैसे आपने बताया ना कि जब ध्यान में बॉडी इतनी हल्की हो जाती है लगता है कि खुद ही हवा में है, हाँ, बॉडी हमारी मतलब
ऐसा लग रहा है कि बॉडी जमीन को टच ही नहीं कर रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है। यस यस सर, जो एक्सटेसी की स्टेट होती है ना, जैसे लोग एलएसडी लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मतलब आप अल्टीमेटली क्या होता है, आपका शरीर वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। जब आप ड्रग्स लेते हैं तो अल्टीमेटली आपका शरीर वो हार्मोन एक्सीड करता है और अननेचुरल वे में आप उस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जहां पे आप एकदम ऐसे शांत हो गए या एकदम ऐसे ट्रांस में चले गए, ठीक है। वही स्टेट आप उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अचीव कर सकते हैं विद इन 5-10 मिनट्स, ठीक है। और अगर आपने बहुत अच्छे से उसको किया तो वो मतलब इतना अमेजिंग आपको फील होगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, आपको लगेगा कि जैसे आप फ्लोट कर रहे हैं, मतलब बॉडी एकदम हल्की हो जाएगी, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं। जितनी बार देखिए, अंदर की जो दुनिया है हमारी, बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, अंदर घूमना है तो अंदर घूमिए। अंदर की दुनिया बहुत अच्छी है, हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और ये क्वांटम फिजिक्स का मतलब वो है, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करेंगे तो हमारी दुनिया बदलेगी, ठीक है। हम अगर इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करेंगे तो इंटरनल वर्ल्ड जब चेंज हो जाएगा तो एक्सटर्नल वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। मेरा किसी से झगड़ा है, ठीक है, हम कोशिश क्या करेंगे कि भाई तू सही हो जाए। वाइफ से अगर नहीं बनती है तो हम बार बार वाइफ को समझाएंगे, तुम सही हो जाओ, तुम सही हो जाओ। उसकी जगह पे अगर हम इंटरनल वर्ल्ड, अगर अपना, हम अपना अगर इंटरनलाइज कर लिया अपने आप को, अपना अगर अंदर का सही कर लिया, तो मेरा देखने का नजरिया ही बदल जाए, तो अब उनको सही होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे। और जब आप उस तरीके से सोचेंगे तो वो अपने आप सही हो जाएंगे। मतलब ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, यू कैन अचीव, मतलब अभी क्लासेस आ रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, राइट। तो मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज है कि आप जब बाहर से किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो कॉज एंड इफेक्ट वाला फॉर्मूला होता है, न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, कि मतलब इतने डिस्टेंस पे सामान रखा हुआ है तो इतने देर में हम ट्रेवल कर लेंगे, पूरा का पूरा सब कुछ प्रिडिक्टेबल। लेकिन नॉन अनप्रिडिक्टेबल क्या है, वो है क्वांटम फिजिक्स, जहां पे आपने इंटरनली आप कैसा फील कर रहे, आपने जब वो चेंज किया तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपने आप चेंज हो गया, बिकॉज आप जैसा फील करते हैं, आप जिस तरीके का आपकी सोच है वैसा आपका जीवन बन जाता है। तो अंदर इंटरनलाइज करिए, जितना अपने आप को इंटरनलाइज करेंगे उतना सक्सेस की डायरेक्शन में बढ़ते चलेंगे, ये मतलब ये साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। सर जैसे आप वो बोलते हैं कि मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे जाते हैं, तो सर वो फील करते टाइम ऐसे एनर्जी, जैसे कभी कभी टीवी या उसमें वीडियो में भी दिखाते हैं कि एनर्जी लाइन जाती है, वैसा फील करते तो ठीक है ना। हाँ, एनर्जी लाइन आपको, एनर्जी को बिल्कुल, आप उस जगह पे जो एनर्जी स्टक है उसको राइज कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या है कि थॉट प्रोसेस हमारा डाउनवर्ड रहता है हमेशा, तो वो एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो करती है और वहीं पे स्टक होकर रह जाती है। और सालों की प्रैक्टिस है एनर्जी नीचे 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 नीचे, तो वो वहीं फंसी रहती, कभी ऊपर नहीं उठती। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रोज एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई तुम ऊपर उठ के आओ, तुम ऊपर उठ के आओ, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इवेंचुअली जो है वो एक जो रुका हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं फ्लो कर रहा है वो फ्लो करना शुरू करेगा, और जब वो फ्लो करेगा तो फिर ठीक है। सो लेट्स विल एंड द सेशन। यस सर, ये लास्ट टैगलाइन है जी, मुझे फिर जी आज का टैगलाइन है कि सब लोग है ना बाहर ट्रैवल करते हैं, हमको अंदर ट्रैवल करना चाहिए। यस यस, जब मैं छोटा था, बहुत ही वर्ड है सर आपका ये। सर मैं एक चीज में ऐड करूंगा, मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने मुझे, मैं छोटा था, मतलब आई थिंक आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड और समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने मुझे एक चीज बड़ी अच्छी बोली कि लोग ना दुनिया भर, मतलब बाहर बहुत घूमते हैं, यहाँ वहाँ फालतू घूम रहे, उनके साथ बैठ रहे, वो कर रहे हैं, किताबों की दुनिया बहुत अच्छी, तुम किताबों की दुनिया में घूम, ठीक है। और वो एक पढ़ने की जो आदत लगी, मतलब आज अगर मैं आपके सामने बैठ कर ये पढ़ा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ द बुक्स, ठीक है। तो मतलब जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आप कहीं ना कहीं, बस ये फैक्ट है, जितना अपने आप को हम चेंज करेंगे हमारी एनर्जी बदलेगी, और जितनी हमारी एनर्जी बदलेगी उतना ही हम कहीं ना कहीं सक्सेस की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो बिल्कुल जितना इंटरनलाइज कर, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, जितने साधु महात्मा हुए, क्या करते हैं, उनके पास सुपर पावर क्यों होती है? अल्टीमेटली वो इंटरनलाइज कर लेते हैं अपने आप को, जब वो एकदम परफेक्ट है, उनकी अवस्था परफेक्ट है, तो बाहर की चीजें तो परफेक्ट होनी ही होनी, बिकॉज इट्स ऑल ड्रिवन फ्रॉम हियर, नथिंग इज ड्रिवन हम और हमारा सबसे मानवीय प्रवृत्ति क्या होती है कि मैं बाहर की चीजें सही करूं, जब ये मिल जाएगा तभी मैं खुश होऊंगा, ठीक है? हमेशा थॉट प्रोसेस क्या होता है, बस बस अब सैलरी जो है बस ये 1 लाख पहुंच जाए मजा, और जिस दिन वो 1 लाख पहुंच जाती है ना वो मजा वजा नहीं आता है, अब होता है कि 1.5 लाख तक, तो हम बाहर चेंज करने में हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है? और कभी वो बाहर जो सेटिस्फैक्ट्री चेंज कभी नहीं मिलता है, तो हम अंदर भी कभी मतलब खुश नहीं होते हैं। अगर हम अंदर खुश हो गए ना, तो फिर वो 1 लाख रहे 1.5 लाख रहे वो बढ़ता भी चला जाएगा और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपने जो कहा था कि नींद नहीं आती सर, वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है उसको ट्राई करिए, उससे बहुत आराम मिलेगा, और प्लस जो हम लोग अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे मैं आपको अल्फा स्टेट में लेके जाऊंगा। इनफैक्ट सोने से जस्ट पहले आपको वो अल्फा स्टेट में जाना ही जाना है, तो जब आप अल्फा स्टेट में जाएंगे तो वो सोने की जस्ट पहली अवस्था है, तो मतलब आपको फिर नींद आनी है, ठीक है ना? तो आप ये ब्रीदिंग जब तक क्लास नहीं शुरू हो रहा तब तक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवेंचुअली जब आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो आप अल्फा स्टेट में जाना शुरू कर देंगे, तो आपको नींद आना भी शुरू हो जाएगा। चंद्रवेदी, लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है ना? जी, लेफ्ट से, जो लेफ्ट हमारा नॉस्ट्रिल है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, जो राइट का नॉस्ट्रिल है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैंने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर लेफ्ट से इनहेल किया, तो ये चंद्रवेदी हो गए। अगर मैंने राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया, तो ये सूर्यभेदी हो गया। अगर जैसे दिन में आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आप सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे, तो क्या होगा, सन की एनर्जी बॉडी में आएगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या ऐसे बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं, तो उसमें सूर्य चंद्रमा को लेके आइए, चंद्रभेदी प्राणायाम करिए, उनकी शीतलता आपके शरीर में आएगी तो मन शांत हो जाएगा। और इसको आप वैलिडेट भी कर सकते हैं, अपने फिंगर को लेके अपने नॉस्ट्रिल के पास जाइए और ब्लो करके नाक से देखिए कि कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा हवा आ रही है, ठीक है? अगर उसको, और पर्पज यह है कि उसको हमें बैलेंस करना है, अगर बराबर हवा नहीं आ रही है तो उसको बैलेंस करें। अगर बहुत आप इरिटेटेड रहते हैं, रात को सोने जाते हैं, तो फिर इस करवट सोइए, मतलब लेफ्ट करवट सोइए, मतलब आपका जो लेफ्ट सर जो है लेफ्ट साइड पे रहेगा, तो सॉरी राइट साइड पे रहेगा, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो आपका ऊपर रहेगा, तो वो क्या करेगा कि जो आपका इम्बैलेंस है उसको वो बैलेंस करेगा। आप करके देखिएगा, कभी बहुत इरिटेटेड है आप फील करके देखिएगा, आपका राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रहा होगा। आप राइट अवे बेड पे जाइए, राइट साइड पे करवट पे सोइए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऊपर रखिए, विद इन 5 मिनट्स धीरे धीरे क्या है कि वो सांस बैलेंस हो जाएगी और मन जो है एकदम शांत हो जाएगा। सर, मैंने एक जगह पढ़ा था आपका चंद्रवृद्धि प्राणायाम है ना, इट एक्टिविटी वो जेगुलर वेन है ना, वो इज कंट्रोल ऑल ओवर इंडोक्राइन सिस्टम, उसको पता है बोलते हैं सर चंद्रवृद्धि प्राणायाम। यस यस, ये बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है सर, चंद्रवेदी प्राणायाम। यस यस, बहुत पावरफुल चीज है, बहुत सिंपल चीजें हैं, मतलब जो इंटरनल वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। अगर हम लोग थोड़ा भी समझ गए तो इतना भी समझ गए तो वी नो व्हाट वी वांट टू अचीव, और उसको फिर हम धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, सो वी एंड द सेशन, ठीक है? आज रात को क्लास में मिलते हैं, ओके? थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, थैंक्स, बाय बाय सर, थैंक यू।